इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें पाकिस्तान से, ये बड़ी खबर जहां जाने माने पत्रकार अनस मलिक लापता हो गए। बताया जा रहा है कि अनस मलिक काबुल से लापता हुए हैं, अनस मलिक से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम ने अफगानिस्तान सरकार से इस बारे में संपर्क किया, तब जाकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मामले का संज्ञान दिया और अनस मलिक की अब तलाश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कुछ दिन पहले काबुल में जो हुआ उसके बाद अब अनस का लापता होना, कोई कनेक्शन क्या इसमें नजर आ रहा है, कहां गए हैं अनस मलिक, मिस्ट्री है ये अभी? देखिए, जो घटना आपसे कुछ दिन पहले घटी है इसमें उसका कनेक्शन है या नहीं ये देखने वाली बात है, लेकिन बड़ी बात है कि अनस मलिक पाकिस्तान में जाने माने पत्रकार हैं, सभी लोग उनके जानते हैं, सालों से हमारी भी उनसे मित्रता रही है। और ये खबर हमें मिली कि कल दोपहर से वो काबुल में गायब है। और मैं आपको बता दूं, अनस मलिक ने काबुल में अफगानिस्तान में काफी काम किया है। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था सरकार का, तब भी लगातार कम से कम 2 महीने वो वहां थे, और अभी कल से उनको बिल्कुल ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। मैंने खुद उन्हें कॉल किया, व्हाट्सएप किया, कोई जवाब नहीं आया। जिसके हमने अप्रोच किया अफगानिस्तान सरकार को और उनके प्रवक्ता से हमने बात की इस बारे में, और उन्होंने विदेश मंत्रालय से इस मामले को उठा के हमें ये बताया है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको ढूंढा जाए, जल्द से जल्द पता लगाया जाए, और काबुल की गलियों से अच्छी तरह वाकिफ है वो। उसके बावजूद ये बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है कि एक नोन पत्रकार काबुल से कल से गायब हो और उनको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सकता है। आशीष, क्या इस बारे में जानकारी है कि किस तारीख को वो कहां पर थे या फिर किसी टाइम उनको देखा गया, लास्ट कनेक्शन किसके साथ हुआ था, संपर्क किसके साथ उनका हुआ था आखिरी, इस बारे में जानकारी? देखिए, मोना आलम करके पाकिस्तान की पहले इस मामले को फ्लैग किया और उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी कि कल दोपहर से अनस से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है। और दोपहर से पहले फर्स्ट हाफ कल कुछ पत्रकारों ने पाकिस्तान से उनसे जरूर बात की थी, किसी असाइनमेंट पे काबुल में थे, पर कल दोपहर के बाद से उनसे बिल्कुल कोई संपर्क नहीं हो सका है। और जैसा मैंने आपसे बताया कि मैंने खुद इस खबर की पुष्टि के लिए पहले उन्हें कॉल भी किया, उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस भी किए, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।